नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। ये शेर सुनकर शायद आपको एक पॉलिटिशियन का चेहरा आपकी आंखों के सामने आया होगा और वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्हें अपने नेताओं की कट्टर ईमानदारी पर बड़ा ही भरोसा था और वो भ्रष्टाचार को खत्म करने और देश की सूरत को बदलने के लिए राजनीति में आए थे। लेकिन पता ये चला कि एक एक करके उनके सभी शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल भी। और जेल में जाते ही केजरीवाल वही सब करने लगे जो सभी आरोपी करते हैं, मतलब खुद के लिए सिंपथी गेन करना और आरोप लगा रहे हैं कि BJP उनसे डर गई है, इसलिए ED का इस्तेमाल कर उन्हें जेल में डाल दिया है। खैर, अब केजरीवाल दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन अब वे ED की इस कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव में वोट मांग रहे हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च किया गया है, जिसके बोल हैं, जेल के जवाब में हम वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी पर हम चोट देंगे, झाड़ू पर हम वोट देंगे। आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन सॉन्ग को गुरुवार को लॉन्च किया। लॉन्च करते समय नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल के लिए एक कुर्सी खाली रखी गई थी। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। थीम सॉन्ग लॉन्च करने के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश का व्यापारी समाज भी यह कह रहा है कि हमारे समाज का एक व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री था, उसे भी पकड़ के जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा, व्यापारियों में प्रतिक्रिया है, युवाओं में प्रतिक्रिया है, माता बहनों में प्रतिक्रिया है, देश भर के लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से को अपने वोट में परिवर्तित कीजिए और 25 मई को दिल्ली में होने वाले चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। वहीं कैंपेन सॉन्ग के लॉन्चिंग के बाद इसे आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया गया और जैसे ही ये शेयर हुआ वैसे ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। हेमंत झा नाम के एक यूजर ने लिखा, दिल्ली के लोग विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, वे अन्ना आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचारी का समर्थन करके की गई गलतियों को सुधारेंगे। एक यूजर ने लिखा, आपके पाप से दिल्ली सुलग चुकी है, इस बार आम आदमी पार्टी का सफाया पूरी तरह से तय है। एक और यूजर ने लिखा, आपने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू से दारू बना दिया है, अपने आप से ये कहना बंद करिए कि आप कट्टर ईमानदार हैं। वृंदा नाम की एक यूजर ने लिखा, इनका तो गाना भी अब फ्रॉड लग रहा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, नहीं पता था आप इतना नीचे गिर सकती है, यह दुखद है, बहुत ही दुखद है। राजन झा नाम की एक यूजर ने लिखा, झूठे नैरेटिव गढ़ने में केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा एक्स हैंडल पर कैंपेन सॉन्ग शेयर करने के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि 25 मई यानी कि छठे चरण में दिल्ली में मतदान होना है और इससे पहले यहां की राजनीति गरमाई हुई है। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और चुनाव प्रचार करने के लिए छटपटा रहे हैं, तो ऐसे में अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि BJP उनसे डरी हुई है। वैसे आम आदमी पार्टी ने जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।